नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका किसी भी ट्यूटोरियल्स और नीट के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देख लिया, समझ लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 के थ्रू। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जैसे चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी चार्ज के बारे में बातों को आगे बढ़ाइए और समझिए। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पर अक्सर एक चीज आ जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि हमने बताया था कि कूलम्ब होता है, और CGS यूनिट ऑफ चार्ज की अगर आप बात करिएगा तो वो क्या होता है, ESU। ठीक है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हो गया स्टैट कूलम्ब और तीसरा नाम हो गया फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी इसी को बोलना है, ठीक है। ESU को ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, इसी को आप स्टैट कूलम्ब भी बोलते हैं, और इसी को आपको फ्रैंकलिन भी बोलना है। ओके, अभी इनमें रिलेशन देखेंगे तो एक कूलम्ब इक्वल टू होता है 3 × 10⁻¹ ESU। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹ ESU। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों कि कूलम्ब जो होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है और ESU जो होता है वो अपने आप में बहुत छोटा यूनिट होता है। ठीक है, तो 3 × 10⁻¹ टाइम्स आपका ये छोटा हो गया एक कूलम्ब से। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है, और ऑफकोर्स किसी भी कॉम्पिटिशन में आ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा इस EMU के बारे में जानिए, कहीं कहीं आपको ये वाला वर्ड टर्म भी आपको चार्ज के लिए दिखाई पड़ेगा। तो एक्चुअली में EMU का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। EMU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक्चुअली बेसिक बात बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है ना कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो वहां पर दो तरह के नाम निकल के आते हैं, एक ESU निकल के आता है, एक EMU निकल के आता है, दोनों निकल के आता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर ESU ही यूज करना है। अगर आपसे कोई सीधा पूछता है कि बताइए भैया CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो आपको ESU का ही नाम लेना है, स्टैट कूलम्ब का ही नाम लेना है, या फ्रैंकलिन का ही नाम लेना है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखते हो तो यहाँ पर CGS सिस्टम में ही एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब यूनिट ऑफ चार्ज में भी ना दो तरह के क्राइटेरिया हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्योंकि बाद में जाकर के लोगों को पता चला कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो आपस में बहुत अच्छे से कोरिलेटेड है, एक को दूसरे के बिना आप अलग, एक को दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, तो इस तरह से इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग बोलते हैं ना। तो खैर, तो उसी आधार पर यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज को भी एक बतलाया गया और वो इज ऑल्सो नोन एज CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसे भी कहते हैं, और जहाँ इसको शॉर्ट में आपने क्या पढ़ा था, EMU। अब एक EMU और कूलम्ब की अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो ये EMU कूलम्ब से भी बड़ा होता है, 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। मतलब एक EMU इक्वल टू कितना, 10 गुना कूलम्ब। 1 EMU इक्वल टू 10 times ऑफ कूलम्ब, 10 कूलम्ब। ओके, तो ये जस्ट ऐसे ही बता दिया आपको, कहीं साइड से अगर किसी ने EMU के बारे में पूछ लिया तो आपको ये बताना है 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम्ब। ठीक है, और ये भी क्या है, तो ये भी CGS यूनिट ऑफ चार्ज है, लेकिन साथ में आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सीधा सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ इसका अलग मीनिंग होगा, यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, वो है आपका ESU, जो कि आपके कूलम्ब से बहुत बहुत छोटा होता है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, कई सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जहां तक आपको दिख जाएंगे। The smallest measurable unit of charge, ठीक है, जो smallest है और जिसको आप measure कर सकते हैं और जो free nature में आपको आराम से मिल भी जाएगा, वो आपका क्या है, electronic charge। यही हो गया जो quantization है, क्योंकि आपने पढ़ा था quantization of charge में कि जो भी charges आपको मिलेंगे nature में वो इसी electronic charge के integral multiples में होंगे, है ना। तो वही जो smallest possible charge जो आप measure कर सकते हो वो आपके पास है 1.6 × 10⁻¹ कूलम्ब। और अगर इसको ESU में आप बदलेंगे तो यहाँ पे यही वाला डेटा जब यूज करोगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा इतना, क्योंकि 1 कूलम्ब को आप क्या लिखने वाले हो, 3 × 10⁻¹, तो 3 जैसे ही रखोगे तो 1.6 × 3 4.8 बन जाएगा, 10⁻¹ है तो इसके साथ आकर के वो -10 बन जाएगा, तो ESU में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इतना ही है। करेक्ट है, ये ध्यान रखें। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज में वो कूलम्ब का नाम ले लेते हैं। कूलम्ब अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट जरूर है, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है ये आपका, ये कूलम्ब। इसलिए जब आप चार्जेस को डील करते हो ना, तो आप माइक्रो कूलम्ब में डील करते हो, नैनो कूलम्ब में डील करते हो,
क्योंकि कूलम अपने आप में भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज नहीं है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का नाम आएगा यहाँ पर फैराडे का नाम आएगा, ठीक है, फैराडे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में भी आप पढ़ेंगे और उधर केमिस्ट्री में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे इस नाम को, फैराडे वहां भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फैराडे इज हाउ मच कूलम, दिस इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 96500 कूलम, ओके, 96,500 कूलम जो होता है ये ऑलमोस्ट 1 फैराडे के बराबर होता है। और एक्चुअली ये चार्ज आया कहाँ से, दैट इज चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 1 मोल में कितना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, विच इज 6.023 × 10²³ इलेक्ट्रॉन। तो 6.023 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज को कैरी करेगा उसको हम लोग कहते हैं 1 फैराडे, और वो ऑलमोस्ट निकल के आता है 96,500 कूलम। इसे थोड़ा सा कम होता है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन में आपका ठीक ठाक चले और आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, इसके लिए हम लोग इसको इतना से ही याद करते हैं, ओके, 96,500। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम, तो वो कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर जरूरत होगी, कितने चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये आप मुझे निकाल के बताओ। तो वीडियो को पॉज करो, आप खुद निकाल के बताओ, ओके, फिर मैं करता हूँ। तो आई होप कि आपका हो गया, वीडियो पॉज किया आपने और आपने सॉल्व किया, ठीक है। अब आइए जरा से इसको मिला लेते हैं, और ये डेटा भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता रहता है। तो देखो सीधी सी बात है, कुछ खास तो करना नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्जेस हैं आपको मालूम है। आपसे मैंने पूछा कि 1 कूलम के लिए तो क्या करना है आपको, 1/ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻¹, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही डेटा आपको क्या बनेगा, 6 पॉइंट, देखिए तो 6 पॉइंट कुछ आया है आपका, और इनटू क्या बन जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 10⁻¹, है ना। मुझे लगता है 6.25 आपको आ जाना चाहिए, 6.25 × 10⁻¹, तो आप लोग मिला लो इससे, 6.25 × 10⁻¹, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं आपके पास तो इतना चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। तो इस डेटा को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। 6.25 × 10⁻¹, यहाँ डिवाइड करोगे ना 1/1.6 को, और इसको क्या करना कि एक इसका उठा के यहाँ 10 कर देना, तो 10/1.6 करोगे तो वो इतना निकल के आ जाएगा, बाकी ये एक इसका ले गया था तो -18 उधर आके प्लस, ठीक है, करके देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते, यहाँ पर चार्ज के बारे में बच्चों एक बात और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, एनर्जी की तरह ही चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो कोई बॉडी न्यूट्रल है, हमने उसको रब कर दिया तो उस पर तो चार्ज आ जाता है, तो हमने चार्ज को क्रिएट कर लिया, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। चार्ज उसके अंदर पहले से ही है, पहले से उसके अंदर पॉजिटिव एंटिटी और निगेटिव एंटिटी मौजूद है, दोनों बराबर अमाउंट में मौजूद है, इसीलिए वो न्यूट्रल शो हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, ठीक ना। क्योंकि एटम्स हैं, तो एटम्स है तो फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन होगा ही और उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे ही, तो पॉजिटिव एंटिटी और निगेटिव एंटिटी दोनों वहां पर मौजूद होंगे, दोनों चूंकि बराबर अमाउंट में इसीलिए वो न्यूट्रल शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो कंटेन किए हैं दोनों तरह के चार्जेस को, दोनों बराबर अमाउंट में है इसीलिए वो न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप रब करते हो तो आप क्या करते हो कि कहीं पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ले आते हो तो कहीं पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले आते हो, ठीक है। तो कोई भी एक तरह की अगर एक्सेस या डेफिशिएंसी हो गई तो उसके हिसाब से चार्ज जो है वहाँ डेवलप हो जाता है। तो उसी बात को हम लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ मतलब चार्ज का ट्रांसफर हुआ, चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो वन बॉडी टू अनदर। द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी विल मेक द बॉडी निगेटिवली चार्ज, अगर किसी बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब जितना उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है उससे ज्यादा निगेटिव चार्ज आ गया तो वो पूरी बॉडी को निगेटिवली चार्ज बना देगा। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी रिजल्ट्स पॉजिटिव चार्ज, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है तो वहीं पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऑन दी बॉडी। इफ द बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एंटिटीज, जो कि रहता ही है, देन वी से दैट इट इज न्यूट्रल, है ना। हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें जो आप देख सकते हो जो कि न्यूट्रल है, विच मीन्स नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज जीरो, है ना। जैसे ही हमने देखा कि पॉजिटिव और निगेटिव एंटिटीज बोथ आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज जीरो। एंड रफली
वी से दैट बॉडी हैज नो चार्ज, है ना, इसको रफली आप बोलते हो नो चार्ज, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग होता है कि इट हैज नो नेट चार्ज एक्चुअली, ठीक है, इसके पास नेट चार्ज जो है वो जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इसके अंदर चार्ज क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, चार्ज क्वांटिटी जरूर मौजूद है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के रूप में और पॉजिटिव उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उनके रूप में, ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ओके। और अब फिर और आगे देखते हैं, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कंडक्टर्स के बारे में, तो वेरी यूजुअल आप जानते हैं, वेरी इजी और यूजुअल भी है, दी सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजली आर कॉल्ड कंडक्टर, तो ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू जो चार्ज होंगे वो बहुत आसानी से फ्लो कर सकते हैं, क्यों, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है इनमें तो चार्जेस जो है आसानी से फ्लो कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जितने भी तरह के मेटल्स के बारे में आप जानते हो सबके सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, जिसमें कि सबसे अच्छा कंडक्टर किसको माना जाता है आपको, तो उसमें आ जाएगा आपका ये सब क्वाइनाइज मेटल्स, है ना, तो गोल्ड आ जाता है और फिर सिल्वर आ जाते हैं, है ना, तो ये सब जो है बहुत अच्छे कंडक्टर्स में से आपको काउंट होते हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा, उसके बाद भी आपका लोहा है, कॉपर है, इस तरह की चीजें होती है, तो ये सब जो है बहुत अच्छे अच्छे कंडक्टर्स में काम हो जाता है, ठीक है, तो ऑल मेटल्स जितने भी है वो सब हो गए, ह्यूमन और एनिमल बॉडी ये सब भी कंडक्टर है, तभी हमें झटका लग जाता है आसानी से, और उसके बाद आपका ग्रेफाइट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर तो ये भी रीजन हो जाता है कि हमारे जो ब्लड वगैरह मौजूद है, ब्लड के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस वहाँ पे मौजूद है, तो में फ्लो तो होगा, चार्ज कैरियर मौजूद है आपके, तो उसमें भी हो जाएगा, फिर उसके ग्रेफाइट्स है, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं, जो फ्री रहते हैं तो वो आसानी से कंडक्ट कर देते हैं, और उसके बाद एसिड्स है ना, तो एसिड्स वगैरह इसमें एच प्लस आपको आयन मिल जाता है, मौजूद हो जाता है, मतलब कोई ना कोई कैरियर वहाँ होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर आयन हो जाए, मोल्टेन साल्ट वगैरह, साल्ट जो मोल्टेन स्टेट में होते हैं तो वो भी आयन्स में टूट जाते हैं, इसलिए वो भी कंडक्शन आसानी से कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, ये सब कंडक्टर्स कहलाएंगे, नॉन कंडक्टर या उसी को दूसरा नाम दीजिए आप इंसुलेटर, तो इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स में क्या होता है, दी सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजली, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके थ्रू जो हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर या बैड कंडक्टर, इनमें नॉन मेटल्स लगभग लगभग सारे नॉन मेटल्स आ जाएंगे आपको, जैसे कि ग्लास वगैरह, नॉन मेटल में आ गया ग्लास, डायमंड है, पोर्सिलिन है ना, और ये सब जो है पॉलीमर्स हो जाते हैं, ये सब प्लास्टिक, रबर, नायलॉन और ड्राई वुड, सूखा हुआ लकड़ी, ये सब जो है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, माइका वगैरह ये सब भी नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अब आपके लिए छोटा सा हम ये जो आपसे बोल रहे थे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये आप लोग ढूंढ के मुझे बताइए और मैं आपको हिंट कर देता हूँ, वही फाइनाइट मेटल मैंने हिंट कर दिया था, तो आप पता लगाइए कि सोना है या फिर चांदी है या फिर कॉपर है, ठीक है, तो इन तो आप इनमें पता लगाइए कि बेस्ट सबसे अच्छा एंड सेकेंड बेस्ट कौन, तो कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया कंडक्टर हो गया और सेकेंड बेस्ट कौन है, ओके, तो आपको इन्हीं तीनों में से दो को ढूंढना है, एक मैंने आपको ऑप्शन दिया गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ठीक है, इनमें से ढूंढ के मुझे कमेंट में जरूर बताना, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे आ जाते हैं, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि तीन तरह के मेथड्स हैं हमारे पास बॉडी को चार्ज करने का, ओके, तो बॉडी को चार्ज करने का तीन तरह का मेथड, अब यहाँ से इस बात से कंफ्यूज मत करना कि अभी थोड़ी देर पहले सर आपने पढ़ाया था कि चार्ज को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर आप बता रहे हो कि यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग, तो भैया प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ही दोनों तरह के चार्ज मौजूद हैं, उनमें से बताया ना कि किसी एक क्वांटिटी को हम लोग कम या ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, एक को कम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपने आप कहलाएगा कि बॉडी चार्ज हो गया, अलग से वो कहीं से प्रोडक्शन करके नहीं दिया जा रहा है, ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए ना दोनों बराबर अमाउंट में है, दोनों की ताकत बराबर है तभी न्यूट्रल है, अब एक की ताकत को अगर हमने कुछ कम कर दिया, मनुष्य की संख्या को कुछ कम कर दिया तो दूसरा डोमिनेट कर जाएगा ना, तो ये वाली बात आ जाती है, जिसको हम प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, ओके, लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे कि आपने बॉडी को चार्ज कर दिया, ओके, तो देयर आर मेनली थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग,
टू एनीबॉडी, और रबिंग के थ्रू कर सकते हो, है ना। फिर आप डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको कंडक्शन भी बोल सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू, और एक होता है भाई इंडक्शन के थ्रू। तो रबिंग में क्या ध्यान रखना होता है, तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं एक दूसरे के साथ, अगर आप उसको रब करोगे तो कि तो इलेक्ट्रॉन्स एक से निकल के दूसरे में चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो भी चार्जेस प्रोड्यूस होंगे ना, वो इक्वल एंड अपोजिट साइन के होंगे। एक बॉडी पे जो भी चार्ज आया तो दूसरे बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट उतना ही चार्ज आ जाएगा। एक पे जितना प्लस, दूसरे पे उतना ही माइनस। जैसे इसके दो एग्जाम्पल काफी फेमस है, जिसमें से पहला तो बहुत फेमस है, ग्लास रॉड को कहता है कि सिल्क क्लॉथ के साथ आप अगर रब करते हो तो बताओ किस पर कौन सा चार्ज आएगा। तो ये आपको देखो बेसिकली याद ही रखना पड़ता है, इसके रीजंस को ढूंढने जाओगे तो वही बात हो जाएगी कि फिर वो भी याद ही रखना होगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है। अब आप जो रब यहाँ पे करते हो, तो रब करने से जो एनर्जी वहाँ पे, रबिंग करने से क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो वही हीट एनर्जी जो है वहाँ पे आती है, और इनमें से जिस जैसे ग्लास और सिल्क को आप रब कर रहे हो और एनर्जी वहाँ पे रिलीज हुआ, तो वो एनर्जी जो है ना, जिसके इलेक्ट्रॉन को पहले बाहर कर दे, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे, उसको क्या बोलिएगा आप, आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो जिसकी सबसे कम मिलेगी हमको, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम मिलेगी, वो वहां पे पहले लूज कर देगा। तो रॉड और ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में आपका ग्लास रॉड का कम मिलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले लूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल का एक ऑर्डर बन जाएगा, और उस ऑर्डर में जिसका भी आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, वो पहले प्लस बनेगा, दूसरा वाला बाद में, और एक जैसे ही प्लस बन गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसी वक्त माइनस बन जाएगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग वही देखते हैं कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ जब दोनों को आप रब करते हो तो फिर क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा ग्लास पे प्लस आएगा और सिल्क पे माइनस आएगा। ये मैंने रेड कलर से इसलिए भी दिखाया कि रेड को पॉजिटिव से ध्यान में रखना हमेशा। जो हमारे कोई बताया था ना आपको, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जहाँ रेड और ब्लैक वगैरह यूज करते हैं, तो ब्लैक जो नॉर्मली होता है माइनस होता है, वो माइनस चार्ज होता है, और जो रेड होता है वो डेफिनेटली प्लस होता है, ठीक है। एबोनाइट और रॉड, एबोनाइट रॉड और ऊल को, है ना, ऊन जो होता है, तो ऊल के साथ अगर आप रब करते हो एबोनाइट रॉड को लेकर के, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबोनाइट पे यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ऊल का हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। याद है ग्लास रॉड वाला और सिल्क वाला, तो दूसरी याद रखिएगा, सिल्क पे निगेटिव, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव। ओके, ग्लास बहुत जल्दी लूज कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली ग्लास को आप किसी के जैसे ग्लास लूज करिएगा, तो यहाँ पे ग्लास पे आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्लास का किसी के साथ कॉम्बिनेशन करिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि ग्लास का आपको पॉजिटिव मिलता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या कंडक्शन, तो इससे भी हो सकता है, चार्ज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए ए बी दो बॉडी है, अभी बी जो है बिल्कुल चार्ज नहीं है, ठीक है, अनचार्ज है, और ए जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया। अब अगर आप इसको चाहे कंबाइन कर दो, यहाँ हटा दो, या फिर किसी कंडक्टिंग वायर को लेकर के दोनों को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वायर के साथ दोनों को कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि ये जो चार्ज आपका अकेले अभी इस पर था, ये चार्ज क्या होगा, इसके जैसे यहाँ पे इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, तो आपस में क्या होता है, इनके पास रिपल्सन होता है, कंडक्टर है ही, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपल्सन के थ्रू ये चार्ज क्या होगा, पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। ओके, और जैसे यहाँ भी कंडक्टर के थ्रू आपने इसको जोड़ दिया है, तो कंडक्टर थ्रू चार्ज आराम से फ्लो हो जाएगा, तो फॉल होके चार्ज क्या करेगा ना, फ्लो होके चार्ज क्या करेगा, अपने बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस को रखने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये पूरा पूरा फैल जाएगा, जितना फैल सकता है फैल जाएगा। ओके, तो सेम चार्ज जितना दूर रहेंगे सिस्टम उतना स्टेबल होता है। ओके, कोई भी फेनोमेनन हो रहा है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, और ये सिस्टम स्टेबल होगा, ये सिस्टम स्टेबल होगा। जितना चार्ज जितना ज्यादा डिस्टेंस पर रहे सिस्टम, उतना ज्यादा स्टेबल आप कह सकते हैं। चलो अभी देखो, बाय इंडक्शन, तो इंडक्शन के थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हो, और चार्जिंग इज डन विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आइए इंडक्शन को थोड़ा और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करें। चलिए देखिए, यहाँ समझिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन को, जैसे क्या हुआ, कोई ग्लास रॉड था हमारे पास, और उसको हमने सिल्क के साथ पूरा रब कर दिया, और ग्लास पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी और इसको क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के पास लेकर के आ जाते हैं, तो कंडक्टर के पास अभी जितना प्लस था उतना माइनस, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही आप इसको काफी पास लाओगे, तो अपोजिट नेचर वाला जो भी चार्ज होगा वो कंडक्टर, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो इधर ही इस इलाके का जो भी निगेटिव होगा ना, वो बिल्कुल इधर किनारे को आ जाएगा, और इस किनारे का जो भी पॉजिटिव होगा वो भाग करके दूर इधर कहीं आ जाएगा। ओके,
तो एक काम करूं मैं इस निगेटिव को मैं दिखा देता हूँ ब्लैक से, तो इस तरह से, और पॉजिटिव जो होंगे वो तो रिपेल कर जाएंगे, सेम चार्जेस जितना दूर रहे उतना स्टेबल, और अपोजिट चार्जेस जितना पास रहे उतना स्टेबल, ओके ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस चार्जेस उधर हो गए, तो अभी भी ये ओवरऑल न्यूट्रल ही है, लेकिन अभी यहाँ पे ये इंडक्शन बता, अभी ये चार्ज बोली नहीं, लेकिन हमने कहा कि आप चार्जिंग कर सकते हो इंडक्शन के थ्रू, तो अभी तो ये टोटली ओवरऑल चार्ज तो नहीं कहलाएगा, तो लेकिन अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, इसको कनेक्ट कर देना होगा अर्थ से, ठीक है, इसी को बोलते हैं अर्थिंग देना, ओके ये हो गया अर्थिंग। तो जैसे ही आपने अर्थिंग दिया तो अर्थ में क्या होते हैं ढेर सारे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इसका पोटेंशियल याद रखिएगा हमेशा 0 वोल्ट, अर्थिंग करने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या इतना कितना पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ना तो हायर ना तो लोअर, ठीक है 0 वोल्ट ऐसे समझिएगा। अभी जैसे यहाँ पे प्लस आ गया तो ये हो गया हायर, मतलब 0 से ऊपर, ओके तो यहाँ पर, तो ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हायर पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 0, मतलब कि लो पोटेंशियल। तो चार्ज का हमेशा नेचर होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर जाना, पॉजिटिव चार्ज का, ओके और निगेटिव होगा तो उल्टा चला जाएगा, ठीक है, तो प्लस चार्ज का ही नेचर होता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया हाई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाई पोटेंशियल यहाँ पर इस एंड पर, और यहाँ पर क्या हो गया लो पोटेंशियल, हाँ। तो अभी देखो क्या होगा, तो हाई से लो जैसे ही आ गया तो अब तो चार्ज का फ्लो होना होना है, तो यहाँ पर कौन फ्लो करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ओके पॉजिटिव तो न्यूक्लियस में होते हैं ना, तो वो निकल के फ्लो नहीं कर सकते, न्यूक्लियस टाइटली बाउंड, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, तो लो पोटेंशियल। तो अभी क्या होगा कि ये वाला जितना भी प्लस है ना, अभी यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा अर्थ से, ओके और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे करके निकल रहा है, ऐसा नहीं, एकदम से तेजी से, यहाँ से जैसे ये अर्थ में जाएगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तेजी से यहाँ से निकलेंगे और इसमें चले जाएंगे, ओके क्योंकि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो हो रहा है। कौन कर रहा है फ्लो, निगेटिव चार्ज, मैंने बताया ना हाई से लो की ओर फ्लो करता है कौन, पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज किधर किधर फ्लो करेगा लो टू हाई, ओके तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गए निगेटिवली चार्ज, तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो कर जाते हैं, ओके इस तरह। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ आए तो जितना भी आपने यहाँ पर प्लस था उन सबको ये क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगले सीन में क्या हो जाएगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन अभी की सबको न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो ये मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, ये तो न्यूट्रलाइज हो गए, ओके और न्यूट्रलाइज हो करके ये सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पर आ गए, तो प्लस के साथ जो था वहां पे माइनस भी आ गया। काम करो ये जो था आपका, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अब हम यहाँ एंट्री दे रहे हैं, यहाँ आ गए, और ये किसके साथ आ गए, ये उस प्लस के साथ आ गए, ओके तो सभी प्लस माइनस आपस में मिलके क्या हो गए यहाँ पे इस एंड पे न्यूट्रलाइज हो गए, ओके तो इस एंड पर तो न्यूट्रलाइज हो गए, और जबकि इस एंड पर का तो बचा हुआ है ना, इसको इस वाले माइनस को ये पकड़ के यहाँ पे रखे रहेगा अट्रैक्शन के साथ, ये इधर बॉन्डेड रहेंगे। और अब आप जैसे ही अर्थिंग को हटाओगे तो ओवरऑल तो अभी भी लगा हुआ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इस पर नेट चार्ज क्या आ गया, नेट चार्ज तो आ गया नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको जैसे ही आप अगर अर्थिंग को हटा के दूर ले जाओ, इसको हटा दिया हमने, ठीक है हटा दिया, सारी बात खत्म, और मैंने इसको हटा के हटा दिया, और तो फिर ये प्लस माइनस लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, न्यूट्रल है और ये माइनस ऐसे रह जाएगा। और फिर हमने क्या किया, इसको भी यहाँ पे हटा दिया, इसको भी आप थोड़ा दूर ले जाओ, ठीक है रिमूव। तो फिर क्या होगा, ये माइनस अब ऐसे थोड़ी ना रहेगा, आपस में क्या करेंगे रिपल्सन करेंगे, है ना, ये रिपल्सन होकर के ये पूरे पर फैल जाए, ये पूरे पर नीचे से भी दिखा सकते हैं ऊपर से भी दिखा सकते हैं, दैट डजंट मैटर, ओके तो इस तरह की बात है। तो हो गया ना ये, अभी ओवरऑल चार्ज हो गया निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो जब अगर आप प्लस चार्ज लेकर के आओगे इसके क्लोज और फिर अर्थिंग करोगे तो ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ओके। अब उसी तरह से अगर आप माइनस लेकर के आते कहीं से उसको यहाँ पर सटाते, उसी तरह से अर्थिंग कराते
तो वो ओवरऑल फिर क्या कर सकते थे आप, सटाते नहीं सॉरी, उसके नजदीक रखते हैं ना, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना, इंडक्शन में कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो वो सेम चार्ज को रिलीज कर देगा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है इंडक्शन, ठीक है। अपोजिट अपोजिट नेचर आएगा, तो प्लस वाला नजदीक लाए थे तो माइनस आया, माइनस वाला नजदीक लाएंगे तो प्लस बन जाएगा ओवरऑल, ओके सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो जाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, ओके। अब हम लोग यहाँ पर आगे थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे पता करते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, क्योंकि तो चार्ज तो हमें दिखाई नहीं देगा ना, साधारण आंखों से तो देख नहीं सकते उसको, ना ही किसी मशीन से डायरेक्ट दिखेगा वो, कोई चश्मा लगा लिया स्पेशल टाइप का और चार्ज दिखने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे उसका पता लगाते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक डिवाइस बनाए हैं और डिवाइस का यूज करते हैं और उसके थ्रू पता लगाते हैं। तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है, कभी पूछता है कि किस किस डिवाइस से आप चार्ज के प्रेजेंस का पता लगाते हैं, तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो जरा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक सिंपल से इलेक्ट्रोस्कोप की। इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जो है कुछ इसी तरह से, एक ग्लास का बॉटल होगा यहाँ पे और कुछ इंसुलेटर्स की मदद से यहाँ पे हम लोग एक ब्रास के डिस्क के साथ ब्रास रॉड को यहाँ पे फिट किए हुए होते हैं अंदर, ठीक है इस तरह से। तो ये जो पूरा है आपका, ये ब्रास मेटल है जो अच्छा खासा कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग का काम करेगा, कंडक्शन का काम करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, गोल्ड लीव्स हम लोग लगा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, गोल्ड को बहुत बहुत पतला इसका फिल्म बनाया जा सकता है, गोल्ड फिल्म, जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा, उसमें गोल्ड लीव का इस्तेमाल हुआ था। तो चूंकि उसको बहुत पतला तैयार किया जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गोल्ड लीव लेते हैं, जो एक बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है और आपका जो है इसका आराम से बहुत हल्का भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कंडक्टर है और ये गोल्ड लिप्स है, और सेम चार्ज अगर आएगा तो ऑफकोर्स वो रिपल्सन को शो करेगा, ठीक है। ये ग्लास बोतल हो गया इस तरह से, वो नॉन कंडक्टर है, और ये भी आपका जो मटेरियल है वो रबर वगैरह का आपका यहाँ पर दिया जा सकता है, नॉन कंडक्टिंग रहना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप इसको फिट कर सकते हैं। तो ये बात होगी। अच्छा हाँ, मैं भूल ना जाऊँ, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक टास्क दिया था कि आपको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है ना, और एक मान के चलो गोल्ड एल्युमिनियम, ठीक है, एक ऐसा करते हैं हम लोग एल्युमिनियम लेते हैं, इन चारों में जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, अफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब ही हो गया, अंडरस्टूड होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का एक ऑर्डर आपको यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, उसको यहाँ पे लिखना है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट और इसको भरना है, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग इसका सही सही आंसर ढूंढ करके जहाँ से भी देना होगा देंगे, एग्जाम में आपको ये सब चीज अक्सर कहीं पर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, बिटवीन सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, है ना। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा, कंडक्टिव, कंडक्टर सारे हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, ऑर्डर क्या होगा, ये आपको ढूंढ के लिखना है। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर देंगे, ओके। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसका जवाब सही मुझे बताएं, ओके। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप पे। अब चूंकि आपने गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया तो आप इसको कह सकते हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड का ही दे हमेशा, अगर बजट प्रॉब्लम है तो ये लोहे का भी आप दे सकते हो, दो है ना आराम से, अभी और भी तरह के इसमें कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, बस उसमें क्या होगा जैसे एक लोहा फिक्स कर देना है और एक को मूव करने लायक हो जाए ऐसा कुछ, ठीक है। तो बहुत तरह के बनाए जा सकते हैं बट सिंपल वे में समझने के लिए ये। अभी क्या होगा कि यहाँ से कोई चार्ज रॉड अगर लेकर के आते हो आप, जैसे सिंपली प्लस प्लस लेकर के हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप डायरेक्ट भी इसको टच कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप टच नहीं कर सकते, टच कर सकते हैं, टच करेंगे तो जो प्लस है यहाँ पर भी इसको प्लस ले आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें जो नॉर्मली अगर नहीं कुछ कहा तो जनरली हम लोग इंडक्शन के थ्रू ही काम करना पसंद करते हैं, तो अगर मान लो कि इंडक्शन के थ्रू हो रहा है फर्स्ट केस में तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्लस आया है तो इंडक्शन में तो आप जानते हैं इसको ये माइनस कर देगा, है ना, तो ये वाला जो ऊपर में ब्रास डिस्क है उसको कर देगा इंडक्शन के थ्रू अगर आया है तो माइनस कर देगा। अब देखो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर जो है ये तो न्यूट्रल रहने वाला है,
तो होगा क्या एक्चुअली में कि यहाँ पर जब निगेटिव आया है तो दूर कहीं पर आपको पॉजिटिव आ जाएगा, कंडक्टर है आराम से, तो सारे निगेटिव अगर वहां जाकर के जमा हो गए हैं बहुत सारे निगेटिव, तो उतना ही पॉजिटिव नीचे के सेक्शन में आ जाए, और जैसे ही पॉजिटिव आएंगे तो इस कॉइल पर भी पॉजिटिव आएगा, इस कॉइल पर भी पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होंगे, ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। तो हम पता लगा लेंगे कि हाँ भाई ये रॉड पर जो है वो जरूर कोई चार्ज आया हुआ है। तो फिर से समझिए बात को, जैसे कि हम लोग को पता लगाना होता है कि हमने जैसे कि अगर ग्लास रॉड लिया और सिल के साथ हमने इसको रब किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर चार्ज आया कि नहीं आया। हम क्या करेंगे कि इसको इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले जाएंगे, ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये फैल गया डाइवर्ज हो गया तो समझ जाएंगे इस पर चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो इंडक्शन के थ्रू हम लोग लाएंगे, जैसे इस पर प्लस है तो यहाँ माइनस करेगा और अपोजिट यहाँ पर कर, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रखना है ना, ये प्लस करेगा और फैल जाएगा इस तरह से। उसी तरह से अगर कोई दूसरा रॉड आप ले ले, तो एबोनाइट वाली एग्जांपल को ले लो, अगर उसका रॉड है हमारे पास तो उस पर तो निगेटिव चार्ज लाए थे, निगेटिव लाएंगे तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर सेम सेम, तो फिर से क्या होगा, फैल जाएगा, फिर समझ जाएंगे कि वो चार्ज है। ठीक है, जो रॉड आप ला रहे हो उस पर चार्ज मौजूद है। अगर इंडक्शन के थ्रू नहीं करके अगर कंडक्शन के थ्रू करोगे, तब क्या होगा कि आप इस चार्ज को सीधा ला करके अगर यहाँ पे सटा दोगे तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा अगर आप कंडक्शन के थ्रू करते हो, तो थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी हो सकता है कहीं पूछ ले। अगर कंडक्शन के थ्रू आप करोगे तो क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि इसको आप इसको टच कर दिए, ओके, तो रॉड को हमने यहाँ पे टच कर दिया, ये वाला प्लस आप क्या किया, इसको आपने टच कर दिया। ठीक है, तो प्लस है तो भैया तो प्लस आ जाएगा इस पर, और इस पर ही नहीं, वो कंडक्शन है ना, वो थ्रू आउट सब पर आ जाएगा। तो सॉरी, मुझे रेड से करना चाहिए था, है ना, रेड प्लस को दिखाता है, हमारे पास अभी प्लस अवेलेबल है, चलो दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ यही नहीं बल्कि ये पूरा कंडक्टर है ना, ये सब जगह प्लस आएगा। ठीक है, सटते ही सब जगह प्लस आएगा और फैल जाएगा, तो अभी भी यहाँ पर हो गया, दोनों लीफ है ना, प्लस प्लस होगा, फैल सकता है, फैल जाएगा। ठीक है, एक होता है वान डी ग्राफ जनरेटर, पता है आपको वान डी ग्राफ जनरेटर पर क्या था, बहुत सारा चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्लस चार्ज ही वहाँ पे स्टोर करते हैं, और इसको एक इस तरह से इंसुलेटर पर स्टैंड बाय ऐसे करके पैक किया जाता है। अब इस पर अगर बहुत सारा चार्ज है और हम लोग अगर क्या करेंगे, किसी इंसुलेटिंग सरफेस पर खड़े हो जाएंगे और रबर शूज पहन लेंगे जिससे हमारे थ्रू चार्ज फ्लो ना कर पाए, और फिर हम खुद जा करके अगर यहाँ पर अपना हाथ रख दें इस पर वान डी ग्राफ जनरेटर पर, तो हम भी कंडक्टिंग है, वो सारा चार्ज हमारे अंदर भी बहुत सारा चार्ज आ जाएगा। इवन जो हमारे जो बाल होंगे ना, एक एक जो हेयर है वो सब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको है सब में चार्ज आ जाएगा, और हेयर में जैसे ही आ गया तो सभी सेम चार्जेज आ गए, तो वो क्या होंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, तो ये सब जो होगा एकदम बिल्कुल एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, तो एकदम अजीब सा आपको फिगर आपका बन जाएगा। तो जैसे अगर हम एक कोशिश करें, जैसे कोई इंसान का बाल है तो आपने सबका बाल जो है रिपल्सन शो करेगा ना उसका, तो बाल जो होंगे उसके सर के बाल कुछ इस तरह से खड़े होते हैं आपको दिखाई देंगे, अगर ये सब पे प्लस चार्ज आ गया वान डी ग्राफ जनरेटर, उसको आपने जा करके टच किया तो, और ये काफी हाई वोल्टेज होता है, काफी ज्यादा चार्ज होता है, तो सारा चार्ज आप पर आ जाएगा, बट आपको कुछ होगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि आपने रबर शूज जो पहने हुए हैं, तो चार्ज आपके अंदर आएगा जरूर, लेकिन आपके थ्रू कहीं और फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ऐसा कई सारे म्यूजियम में वान डी ग्राफ जनरेटर बहुत पहले रखा जाता था, और इंटरटेनमेंट पर्पज से लोग इस तरह से वहां पर शो करते थे। ओके, ये सारी चीजें, और तो ये बात हो गई, और तो इलेक्ट्रो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अगर आप डायरेक्ट टच करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, और ये, और अभी क्या, डायरेक्ट टच करने के बाद क्या होगा, अगर आप इसको हटा भी लेते हो उसके बाद, तो क्या होगा कि इस पर ये चार्ज जो है फिर वो रह जाएगा, वो चार्ज हटने वाला नहीं यहाँ से, ये इस तरह से डाइवर्ट जाएगा। अब यहीं पर आपको एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान के चलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्सरे से एक्सपोज करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या ले आए, एक्सरे। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सरे क्या करेगा इसको बताओ, तो एक्सरे इसको क्या करेगा, इसमें से और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक्सरे क्या होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, और भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, मतलब इसको और हाईली पॉजिटिव करेगा। तो अगर इसको और हाईली पॉजिटिव कर दिया इसने,
तो फिर क्या होगा, प्लस चार्ज की इंटेंसिटी तो पूरे में बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टर है, चार्ज तो फैल जाएगा ना, तो ये और फर्दर डाइवर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने इसको इलेक्ट्रोस्कोप को टच करके कंडक्शन के थ्रू चार्ज किया हुआ है, तो ये और ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा, राइट, ओके। और अगर आपने इसको, हाँ जी बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्कोप में एक लास्ट डिस्कशन आपका रह गया कि अगर आप इसको इंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं और फिर एक्सरे एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, इंडक्शन के थ्रू अगर हम चार्ज करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, तो मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ पे ग्लास रॉड लेके आ रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बुक्स में, कई असाइनमेंट में अक्सर दिख जाएंगे, बट इसके सॉल्यूशन का डिस्कशन काफी जगह कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आप, एक तो हो गया कि अगर आपने कंडक्शन के थ्रू अगर इसको चार्ज किया हुआ था, फिर आप रॉड को हटा भी लो तो वो चार्ज इस पर रहेगा, फिर आप अगर एक्सरे एक्सपोज करते हो तो वो क्या करेगा, चार्ज की इंटेंसिटी को आपको और इंटेंसिफाई करेगा, और ज्यादा वहां पे वो उसको क्या करेगा, प्लस करेगा, है ना, तो वो इसको और ज्यादा डाइवर्स कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर इंडक्शन से हो तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसका डिस्कशन कहीं पर किया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इंडक्शन के थ्रू अगर आप करोगे ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली आएगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले आते हैं माइनस, और फिर इस अपोजिट साइड पर क्या आ जाएगा बताओ, क्योंकि ये क्या होगा, थ्रू आउट कंडक्टर होगा ना, तो इसको अभी आपने इसको टच नहीं किया है, तो इसको आपको ओवरऑल न्यूट्रल रखना है, तो जितना निगेटिव आपको इस एंड पर आएगा उतना ही पॉजिटिव आपको इन लीव्स पर आ जाएंगे, ओके, तो इन लीव्स पर उतना ही पॉजिटिव बन जाएगा, ओके, और दोनों लीव्स हैं चुकी, तो वो आसानी से सेम चार्ज आ गया तो डाइवर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसके नजदीक लाएंगे, टच नहीं करना है, बस नजदीक लाना है, ये डाइवर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो, अब आप क्या करते हो कि अब अगर इसको मैं हटा लूँ, यहाँ से हटा लूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये वापस कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल था ये, प्लस माइनस आपस में फिर से कंबाइन हो जाएगा, अभी इस माइनस को ये प्लस पकड़ के रखे हुए है, इसीलिए ये यहाँ पर सेपरेटेड है, ओके, तो ये यहाँ पर डाइवर्स है उस तरह से। और जैसे ही आप इसको हटाओगे तो वापस ये क्या हो, कंडक्टर है ना, तो प्लस माइनस वापस रिकम्बाइन हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा, इसके हटाते हैं, ठीक है, लाएंगे फैल जाएगा, हटाएंगे कोलैप्स करके, दोनों कट जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। चलो, अब हम लोग क्या कहते हैं कि इसको यहीं पे रहने देना है, और अब आप यहाँ पर एक्सरे एक्सपोज करने वाले हो, ठीक है, एक्सरे, ओके, तो एक्सरे अब आपने वहां से एक्सपोज किया, अब आपको बताना है कि ये क्या होगा, फर्दर और डाइवर्स होगा, या फिर कोलैप्स करेंगे, अंदर की तरफ आएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों में से कुछ होगा, तो देखिए, या फिर कुछ भी नहीं होगा, ऐसे भी ऑप्शन होंगे। तो चलो समझो इसको, एक्सरे तो जब भी करेगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर ही करेगा, ओके, वेरी हाई एनर्जेटिक रेज है, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को तो बाहर कर ही देंगे, अगर ज्यादा देर रखोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, कम देर रखेंगे कम इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, ओके। तो मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बाहर किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर करने से क्या हुआ, और याद रहे ये रॉड भी यहीं पर है, पास में ही है ना, इसको हटाना नहीं, तो ठीक है, आपने इसके कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो सोचो, ऐसे सोचो आप, कुछ एग्जांपल से लेकर चलो तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे मान के चलो कि पहले यहाँ पे -10 माइक्रो कूलम चार्ज एक्युमुलेटेड था, और यहाँ पर उसकी वजह से +10 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया था, क्लियर यहाँ तक। अब जैसे ही आपने ये लाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हट गए, और इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो ओवरऑल निगेटिव को कम कर देगा, तो अब मान के चलो इसका निगेटिव कम हो गया, और कम होकर के आ गया 8 माइक्रो कूलम चार्ज, इस एक्सरे के एक्सपोजर होने के बाद अब यहाँ पर चार्ज का अमाउंट क्या हो गया, -8 माइक्रो कूलम, ओके, -8 माइक्रो, अब -8 माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना था, +10 माइक्रो कूलम, इन दोनों को अब, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, आपस में एडिटिव होते हैं, ठीक है, एडिटिव होते हैं, तो वो एडिटिव होने के कारण ये क्या करेंगे, आपस में रिकम्बाइन होकर के 10, और फिर ये क्या हो गया, -8, मतलब क्या हो गया, +2 माइक्रो कूलम नेट चार्ज अब इसके पास मौजूद रहेगा, ओके, +2 माइक्रो कूलम चार्ज अब इसके पास मौजूद रहेगा। और अब अगर आपने इस रॉड को हटा लिया, यहाँ से रॉड को भी हटा लिया, एक्सरे को भी हटा लिया, ओके, एक्सरे को आपने वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे एक्सपोज किया था, उसके बाद एक्सरे को बंद कर दिया, क्लियर, जैसे ही आपने बंद किया, -8 माइक्रो कूलम आपका यहाँ पर था, और आपने फिर क्या किया, रॉड को भी हटा लिया, ओके, रॉड को भी हटाना जरूरी है,
रॉट को अगर आपने यहाँ पे हटा लिया तो फिर ओवरऑल कितना चार्ज बचेगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे ऊपर की साइड में -1 माइक्रोकूलम और नीचे के साइड में +10 माइक्रोकूलम। एडिटिव था, कंडक्टर है, आपस में रिअरेंज होना चाहेगा फिर से, तो फिर भी ओवरऑल +2 माइक्रोकूलम अब इसके पास नेट चार्ज बचा रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ से बाहर गए हैं। ओके, तो एक्सेस प्लस चार्ज आपका +2 माइक्रोकूलम यहाँ पे मौजूद रहेगा और वही प्लस यहाँ वहां फैल जाएगा। मतलब अब आपका ये एंड भी क्या हो जाएगा, ये एंड भी थोड़ा सा प्लस हो जाएगा, ये एंड भी प्लस रहेगा, लेकिन कितना, +2 माइक्रोकूलम का ही बंटवारा होगा। तो अब ये हो सकता है कि ये 1 माइक्रोकूलम यहाँ, 1 माइक्रोकूलम यहाँ, अगर इनके चार्जेस को नेगलेक्ट करके आप देखो तो, हालांकि जो भी होगा उससे कुछ कम ही होगा। तो पहले का कंडीशन क्या था, यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम के हिसाब से आपका डाइवर्जेंस शो कर रहा था, अब कितना हो गया, +1 माइक्रोकूलम, तो बहुत कम चार्ज हो गया ना, या फिर इससे भी कम हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये जो होगा आपका प्लस, क्लियर है ये बात। तो अगर आपने वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्सरे को यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है और उसके बाद आपने ग्लास रॉड को हटा लिया, तो फिर इनका क्या होना है, यहाँ पे वापस कोलैप्स हो जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से एकदम सटेगा नहीं, ये थोड़ा सा जरूर फैला हुआ रहेगा अभी भी, क्योंकि +1 माइक्रोकूलम अभी भी इसके बाद। अच्छा, अब इसी में सोचो कि अगर आपने एक्सरे और ज्यादा एक्सपोज आप कर देते हो, और ज्यादा देर के लिए कर देते हो, तो क्या होगा, और ज्यादा, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, सिंपल है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ से इजेक्ट होंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को वो क्रिएट करेगा ना। तो पहले जो -10 था वो अब और घट घट के, घट घट के मान के चलो हो गया -5 माइक्रोकूलम। ओके, तो -5 आ गया, और अब फिर आपने अपना रॉड हटाया, एक्सरे बंद किया, तो ओवरऑल क्या हुआ, इधर पहले से था +10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है -5, तो ओवरऑल क्या बचेगा, +5 माइक्रोकूलम है ना, थोड़ा लॉन्ग एक्सपोजर होने पर +5। अब +5 के हिसाब से यहाँ पे बंटवारा होगा, तो मान के चलो अगर इक्वल इक्वल भी मान लें, तो अब यहाँ पे 2.5 और यहाँ भी 2.5, तो पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो अब वो फर्दर और थोड़ा ज्यादा डाइवर्ज होगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर एक्सरे को आपने ज्यादा देर तक ये किया, एक्सपोज किया, तो पहले वाले 10 माइक्रोकूलम के रिस्पेक्ट में तो कम ही होगा, लेकिन आप देख सकते हैं 2.5 माइक्रोकूलम के हिसाब से आपका रिपल्सन होगा, तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में तो आपका कोलैप्स ही होगा, लेकिन अब उतना कोलैप्स नहीं होगा जितना कि आपका वो 1 माइक्रोकूलम के केस में ज्यादा कोलैप्स हो जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा कम कोलैप्स होगा, थोड़ा सा फैला हुआ ही रहेगा, है ना। वेरी वेरी लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने कर दिया तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एकदम से प्लस आ जाएगा टोटल, और पूरा अगर आपका यहाँ पे प्लस आ गया तो फिर उस तरह से आपका बहुत ये, तो फिर धीरे धीरे वो फिर बढ़ता भी जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तब। क्लियर है यहाँ तक, आइए बच्चों कंक्लूड कर लें इसको। तो इलेक्ट्रोस्कोप के केस में और एक्सरे एक्सपोजर वाला जब यहाँ पर केस लेते हैं, तो हम लोगों ने पहले केस में देखा कि जब आपने इसको कंडक्शन के थ्रू इसको जब आपने यहाँ पे सटा दिया था, तब जब इसको चार्ज किया तो जो भी चार्ज आएगा वो पूरे पर फैल जाएगा, और फिर आप कोई भी आप इसको चाहे हटा दो या रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपने इसको हटा दिया हुआ है या सटे हुए रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आपने एक्सरे और एक्सपोज किया तो इसके प्लस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और वो प्लस पूरे में फैलता रहेगा, तो डाइवर्जेंस हमेशा और बढ़ता चलेगा। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हमने क्या देखा कि आपको यहाँ पर ये ऐसे रखना था और फिर इंडक्शन के थ्रू आपने काम किया था, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया था, इधर प्लस आ गया था, डाइवर्ज हुआ था, और फिर अगर आप इसको हटा लेते हो तो ये वापस कोलैप्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और फिर अभी हमने क्या बताया आपको कि ये अभी आपको यहीं पर अभी आपने रखा हुआ है, और अभी क्या किया आपने, एक्सरे थोड़ी देर के लिए आपने इस पे एक्सपोजर मार दिया, थोड़ी देर के लिए आपने एक्सपोजर मार दिया। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये रखा हुआ है और ये एक्सपोजर आपने मारा हुआ है, तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर ये माइनस था और फिर आपने यहाँ पे एक्सपोजर मारा, उसके बाद फिर क्या किया आपने, एक्सरे को बंद किया और इसे भी यहाँ से हटा लिया, ठीक है, एक्सपोजर को बंद किया और इसे भी यहाँ से हटा लिया। तो फिर हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे फिर भी ओवरऑल एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और वो चूंकि पहले के रिस्पेक्ट में कम होगा, चूंकि थोड़ी देर के लिए ही एक्सपोजर था, तो उस केस में क्या होगा कि जो पहले से डाइवर्स कंडीशन था वो थोड़ा सा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, ये दूसरा केस हुआ। अब एक तीसरा केस भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि आपने तो मान के चलो कि इंडक्शन यहाँ पे रखा हुआ था, ये वाला इधर से इंडक्शन के थ्रू ऐसे किया, ब्लास्ट रोड यहाँ पे रखा हुआ था, आपने एक्सपोज किया, क्लियरली। अच्छा, एक्सपोज करने के बाद अभी आपने क्या किया, इसको काफी देर तक एक्सपोज कर दिया, तो काफी देर तक एक्सपोज कर दिया तो ओवरऑल इस पर क्या होगा, बहुत सारा प्लस चार्जेस आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा,
और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे, तो ये पूरा पूरा ओवरऑल फिर प्लस बन जाएगा। तो ये फिर और मतलब पहले जितना था 10 माइक्रो कूलम के हिसाब से था, अब क्या होगा कि अभी भी कोलेप्स करेगा, लेकिन अब जितना पहले कर रहा था उतना नहीं करेगा, उससे थोड़ा कम कोलेप्स करेगा, इस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं। चलो अभी हमने फिर और एक अगला केस में अब लेकर के आपको आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या होगा कि आपने इस रॉड को यहाँ पे रखा हुआ है, इंडक्शन के थ्रू इसमें कुछ आ गया इधर का चार्ज, इधर अपोजिट चार्ज फैल गया। अभी एक्सरे भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डाला, और फिर क्या किया आपने कि एक्सरे को बंद कर दिया और इसको यहाँ रखे रहा, ठीक है। ये जो ग्लास रॉड है इसको आपने अपनी जगह पर रखा हुआ है, आपने इसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, ओके। तो फिर एक ये अलग केस जनरेट हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है आपको। तो मान के तो अब इंडक्शन में क्या होता है, ये चूंकि मेटल है तो जितना भी आप ये प्लस चार्ज लेके आए हो, मान के चलो हम लेके आए हैं इसके साथ +10 माइक्रो कूलम लेकर के आए हैं, तो ये क्या करेगा, कंडक्टर होने की वजह से इसके बहुत पास में है, तो ये लगभग लगभग -10 माइक्रो कूलम तो यहाँ पे प्रोड्यूस कर ही देगा, ओके। तो ये निगेटिव को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, इंडक्शन के थ्रू तो यही होता है, अपोजिट चार्जेज आते हैं, तो ये हमारा -10 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल तो इसको समझ गया। और फिर क्या किया आपने, एक्सरे को एक्सपोजर किया, एक्सरे किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और फिर आपने एक्सरे को बंद कर दिया और इसको अभी हटाया नहीं, इससे पहले के केसेस में क्या हो रहे थे, इसको मैंने हटा रखा था, अभी अभी इसको यहीं पे रखना है। तो देखो इसको यहाँ पे अगर रखोगे तो ये मेटालिक कंडक्टर है और इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अगर +10 है तो ये इसको -10 तो बना के रखना ही रखना है इसको, है ना, इसको ये बदलने देगा नहीं, ओके। लेकिन जब आपने एक्सरे से इसको एक्सपोज किया था तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, तो अब ये -10 माइक्रोकूलम तो यहाँ पे रह नहीं पाएगा, ये इसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाएगी, क्यों, तो कुछ प्लस आ जाएगा ना इसके, ये इसके इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होने से वहां पे कुछ प्लस आ जाएगा, तो इस इलाके में आपको उस समय इंस्टेंटली क्या बनेगा, -8 माइक्रोकूलम मान के चलो, थोड़ी देर के लिए एक्सपोज कराया था तो -8 माइक्रोकूलम आपका बन गया, ओके। अब लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, +10 माइक्रोकूलम, तो ये तो इसको कहेगा नहीं भैया मेरे को तो -10 ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाँ यहाँ पे भी ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, मत सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज और ये कंडक्टर, तो ये जितना प्लस है ना उतना ही यहाँ माइनस को लेकर के आना ही आना है, तो यहाँ पे +10 तो -10 चाहिए, लेकिन एक्सरे की वजह से ये कितना हो चुका है, -8, तो अब ये कहेगा कि मैं -10 कहाँ से लाऊं, तो जाहिर सी बात है आपको जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो आपको कहीं से लेकर के आइएगा तभी तो होगा, तो कहाँ से लेकर आइएगा, यही नीचे वाले सेक्शन से, इस वाले इन सब वाले सेक्शन से आपका क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से कुछ और इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, तो जितना पहले से यहाँ पे कोलेप्स हुआ था तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो ये -8 को वापस -10 में कन्वर्ट करेगा, और इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊपर रिलीज करेगा, और ऊपर जाएगा तो इसकी प्लस बढ़ेगी, तो ये जितना भी फैला हुआ था उससे और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगा, है ना, तो वो कंडक्शन वाला केस को पकड़ लेगा, तो इस केस में क्या होगा फिर, ये और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा कि कंप्लीट डिटेल्स क्या दिया हुआ है, अगर आपको कंप्लीट डिटेल नहीं दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है कि हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप रखा और एक ग्लास रॉड की मदद से जो प्लस चार्ज लेकर के आ रहा है इसको हमने यहाँ पर क्या किया है कि इंडक्शन के थ्रू हमने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है। नॉर्मली देखो एक बात और, इलेक्ट्रोस्कोप को जो ज्यादातर यूज किया जाता है ना, तो वो इंडक्शन के थ्रू ही नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग, अगर नहीं कुछ बोला है कि वहाँ पे इंडक्शन के थ्रू यूज किया जा रहा है कि कंडक्शन के थ्रू, तो इन जनरल हम लोग इंडक्शन वाला ही लेकर के चलेंगे, ओके। ये रॉड लेकर के आए और ये यहाँ पे फैल गया, तो हम समझ गए कि इस पर चार्ज मौजूद, ठीक है, चलो तो यही इसका इलेक्ट्रोस्कोप पर ये होता है। दूसरी बात कि क्या हो जाएगी यहाँ पे कि ये जो आपने एक्सरे यहाँ पे एक्सपोज किया था, तो एक्सरे एक्सपोज किया थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो फिर यहाँ पे ये -10 का जैसे बन गया -8, और पूछेगा कि बताओ अब क्या होगा, इन पत्तियों का क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस रॉड को यहाँ पे रखा है कि नहीं रखा है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से हटा देंगे तब तो फिर वही बात हो जाएगी, -8 यहाँ का +10 यहाँ का, क्योंकि जब यहाँ -10 आया था तो यहाँ पे +10 आया हुआ था, तो वो +10 और ये मिलके +2 माइक्रो कूलम, और फिर आपका जो चार्ज बचेगा
एक माइक्रो कूलम यहाँ, एक माइक्रो कूलम यहाँ, मतलब पूरे में बट जाएगा, और वो 1 माइक्रो कूलम के हिसाब से आपका डाइवर्जेंस शो करेगा। मतलब क्या होगा कि पहले से चूंकि ज्यादा था 10 के हिसाब से था, अब 1 के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कोलेप्सिंग हो जाएगा। ठीक है, वो कब, जब इसको हटा लेंगे। तो क्वेश्चन में नहीं कुछ बोलेगा, तो हम लोग जब इसको हटाए तो इसको भी हटा लेंगे। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर किया कि आपको इसको हटाना नहीं है, वहीं पे रखना है, 10 माइक्रो कूलम था, तो यहाँ पर क्या लेके आएगा वो -10, लेकिन एक्सरे की वजह से हो गया है कितना, -8, लेकिन इसकी वजह से -10 को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा हमको। इंडक्शन का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, तो -8 को -10 कैसे बना सकते हो, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे पास करना होगा, अब कौन देगा उसको इलेक्ट्रॉन, यही कहीं से लेकर के जाना पड़ेगा, है ना। तो इधर से रॉड वाले सेक्शन से नीचे वाले सेक्शन से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, जिससे क्या होगा कि ये वाला सेक्शन आपका और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर उस केस में फर्दर डाइवर्जेंस और ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से आप आंसर। ओके, तो ये था कंप्लीट डिस्कशन आपको इलेक्ट्रोस्कोप का। आई होप कि वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ पर बात करेंगे, और जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसको भी बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। यहाँ तक आप अच्छे से अपना कंप्लीट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं। ओके, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।